अच्छा जी, अभी मैं मौजूद हूँ जी इनके डिपार्चर पे पर। Since I've been traveling with Daewoo, I'm very thankful to Daewoo as well for such a safe travels. Environment बहुत अच्छा है, safe feel होता है, safe ride है हमारे लिए। जहाँ भी सर्विस जाती है ना जी, मैं कोशिश करता हूँ कि Daewoo पर ही जाऊँ। इजी प्रोसेस है, ये ऐप है इनकी, ठीक है, ये इधर से जो है ना टिकट बुक करते हैं और ये स्कैनर आता है, ठीक है, तो स्कैन करनी। 5:30 की मेरी मतलब सीट थी और मैं ऑन टाइम अराइव किया है। मेरा पता चल जाता है कि भाई इतनी देर तक जो बस है वो अराइव हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, पीके बसेस से मैं हूं बिलाल। इस वक्त मैं मौजूद हूं जी डायवो एक्सप्रेस के ठोकर नियाज बेग टर्मिनल पर। डायवो एक्सप्रेस का जो ये टर्मिनल है, ये मेन इनका टर्मिनल है। इसके अलावा कलमा चौक में भी टर्मिनल मौजूद है। ये मेरे पीछे आप बसेस देख रहे हैं, गोल्ड क्लास और दूसरी बसेस यहाँ पे मौजूद है। तो यहाँ से मुख्तलिफ रूट्स के लिए इनकी बस सर्विस अवेलेबल होती है। तो वो भी हम आपको वन बाय वन भी आपको रिव्यूज़ देंगे कि कौन से रूट के लिए कौन सी बस जा रही है, क्या फेयर है। वो भी एक अलहदा जो है ना अलहदा से हर रूट की हम वीडियोज़ आपको देंगे। तो आज की वीडियो में हम आपको टर्मिनल दिखाएंगे, टर्मिनल पर क्या क्या सहूलियात दी जाती हैं, पैसेंजर्स के लिए क्या क्या सहूलियात हैं, उसके अलावा बुकिंग का क्या तरीक़ाकार है, ऑनलाइन बुकिंग कैसे हो सकती है, आप घर बैठे कैसे टिकट हासिल कर सकते हैं, और ये सारी डिटेल जो है हम आपको इस वीडियो में बताएँगे। अच्छा जी, अभी मैं मौजूद हूँ जी इनके डिपार्चर पे पर। मुख्तलिफ बसेस जो है वो पीछे पार्क हुई हुई हैं। यहाँ से मुख्तलिफ डिपार्चर जो होते हैं वो यहीं से होते हैं, ठीक है। और ये अभी बावलपुर की बस जो है मेरे साथ आके खड़ी हुई है। अच्छा जी, यहाँ से मुख्तलिफ रूट्स के लिए मुख्तलिफ बसेस के डिपार्चर हो रहे हैं, जैसे कि ये लाहौर से पेशावर के लिए बस जा रही है और इसी तरह मुख्तलिफ रूट्स की बसेस हैं यहाँ पे मौजूद। जैसे डेरा इस्माइल ख़ान के लिए भी ये यू टाउन की बस मौजूद है, इसका भी अभी डिपार्चर होने वाला है। और उसके अलावा एक ये बस मौजूद है, इसका रूट जो है वो सियालकोट का है। ये सियालकोट के लिए भी जाने वाली है बस। जैसे मैंने आपको बताया कि मुख्तलिफ रूट्स के लिए बसेस जा रही हैं और इसी तरह अभी ये बसेस जो लगी हुई थी सारी वो डिपार्चर हो रही है इनका। वन बाय वन जो है ना वो सारी बसेस जो है वो निकल के अपने अपने रूट्स के लिए वो जा रही हैं। तो अभी अंदर टर्मिनल में चलते हैं, आपको टर्मिनल दिखाते हैं, टिकटिंग का प्रोसेस दिखाते हैं। आ जाए। अच्छा जी, एक यहाँ पे इनका गेट मौजूद है और दूसरा गेट उस साइड पे है। हाँ जी। अच्छा जी, अभी मैं आया हूँ पैसेंजर लॉन्च की तरफ। यहाँ पे आप दिखाएं तो पैसेंजर लॉन्च है, इसके साथ ये एक इलेक्ट्रिक बस है जो शटल सर्विस जिसको कहते हैं वो चल रही है। यहाँ पे आप दिखाएंगे तो यहाँ पे टॉयलेट्स मौजूद है, मस्जिद है लेडीज़ के लिए, ठीक है। अच्छा जी, मजदूर अफराद के लिए यहाँ पे वाशरूम की सहूलत मौजूद है, अलहदा से दिया गया है। उसके अलावा व्हील चेयर भी यहाँ पे मौजूद है। तो ये सहूलत भी जो है वो डायवो टर्मिनल पर आपको मिलेगा। आ जाए, आपको अंदर से दिखाते हैं। अच्छा जी, ये यहाँ पे इनकी कैंटीन कक्षा जो है वो मौजूद है, ठीक है, जहाँ पे आपको मुख्तलिफ चीज़ें मिलेंगी खाने के लिए। तो वो भी आप यहाँ से ले सकते हैं, जिसमें सैंडविचेस, बर्गर वगैरह और मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो मौजूद हैं। और सबसे अहम चीज़ जो है वो डोनट्स भी यहाँ पे मिलेंगे और ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट है। बाकी आगे दिखाएं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मुख्तलिफ जो है वो आपको चीज़ें अवेलेबल होती हैं। ये है जी इनका वेटिंग लाउंज और यहाँ पे बैठने का वसी इंतज़ाम है और बहुत ही नीट एंड क्लीन वेटिंग लाउंज है यहाँ। अच्छा जी, मेरे पीछे आप मुख्तलिफ टिकटिंग काउंटर्स देख रहे हैं। यहाँ से आपको जो है मुख्तलिफ रूट्स की टिकट मिलेंगी। आपको बोर्ड्स ऊपर नज़र आ रहे हैं, जिस भी रूट की आपने टिकट लेनी है आप यहाँ पे विज़िट करेंगे, ठीक है, और यहाँ से आप टिकट हासिल कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे इनकी एक और बहुत अच्छी चीज़ मैंने देखी है कि अगर आपने ऑनलाइन बुकिंग की है तो आपको किसी के पास से आके टिकट लेने की ज़रूरत नहीं है। वो मैं आपको दिखाता हूँ कि वो क्यों नहीं है। अच्छा जी, ये मौजूद है जी ऑनलाइन टिकट प्रिंट काउंटर मौजूद है। यहाँ पे आपको देखेंगे कोई भी पर्सन मौजूद नहीं है, जस्ट आपने अपनी टिकट यहाँ पे आके मोबाइल को स्कैन करना है और यहाँ से आपकी जो है टिकट वो प्रिंट होके बाहर आ जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है सर? ये सर हम लालित ठाकुर। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि आपने टिकट ऑनलाइन हासिल की थी? जी, ऑनलाइन परचेज की। अच्छा, तो उसका क्या प्रोसेस था? यहाँ पे आपके आके आपने कैसे जो है ना ऑपरेट? बिल्कुल इजी प्रोसेस है, ये ऐप है इनकी, ठीक है, ये इधर से जो है ना टिकट बुक करते हैं और ये स्कैनर आता है, ठीक है, तो स्कैन करनी है। कैसा प्रोसेस लगा आपको ये वाला? बिल्कुल ईजी वे है यार, ये सबसे बेस्ट है। कब से ट्रैवल कर रहे हैं आप डेवो पे? मुझे कम से कम 2 साल हो गए। अच्छा, अभी आप कहाँ जा रहे हैं? मैं सियालकोट जा रहा हूँ। तो कैसी लगी आपको सर्विस है? बहुत अच्छी सर्विस है, कंफर्टेबल सीटें हैं और मज़े की बात यह है कि अपने टाइम पे बस चलती है, लेट नहीं होती। ठीक हो गया सर, थैंक यू सर। अच्छा जी, यहाँ पे एक मुनफरिद चीज़ जो मैंने डायवो पे देखी है, जो अब से पहले मैंने किसी और बस सर्विस पे नहीं देखी, कि यहाँ पे अराइवल लगा हुआ है। डिपार्चर के तो लगे हुए देखे हैं मैंने, लेकिन अराइवल का फर्स्ट टाइम मैंने देखा है कि जो बस अराइव हो रही है वो कब हो रही है, कितनी देर में। जैसे कि पहले नंबर पे आप देखें कि इसका डिपार्चर था 7 बजे साहिवाल टू लाहौर होकर, और ये अराइव्ड होगी एंड पे, साथ में बस का नंबर भी है। अभी जैसे हम तीसरे नंबर पे आएंगे तो गुजरात से लाहौर 7 बजे उसका डिपार्चर था, और 1 मिनट तक बस जो है वो यहाँ पे पहुँच रही है। ऐसे 7वें नंबर पे आ जाए जेलम से लाहौर होकर पे जो है बस नंबर उस पर मौजूदा 56 मिनट में जो है वो बस यहाँ पे पहुँच रही है। यानी कि जो लोग अपने गेस्ट को या अपने जो है उनकी फैमिली मेम्बर्स उनको लेने आते हैं तो उनको पता चल जाता है कि भाई इतनी देर तक जो बस है वो अराइव हो जाएगी। तो ये लाइव लोकेशन के साथ जो है ये अटैच होती है और बिल्कुल एग्जैक्ट लाइव लोकेशन जो है वो आ रही होती है कि इतनी देर में बस जो है वो यहाँ पे टर्मिनल पर पहुँच जाएगी। अच्छा जी, मैंने आपको डिपार्चर का तो बताया, तो जो इनके अराइवल्स हैं वो यहाँ पे होते हैं। यहाँ पे सारे जो अराइवल्स आते हैं वो यहाँ पे आके बसेस खड़ी होती हैं, और ये जैसे आप ये देख रहे हैं कि ये अभी अभी अराइवल हुआ है और सामान जो है वो उतारा जा रहा है बस के अंदर से, ठीक है। और यहीं से फिर सामने दूसरा कैनाल रोड वाला गेट है, वहीं से आप बाहर निकल सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे ATM की सहूलत भी मौजूद है। अगर आपने कैश निकलवाना है तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, यहाँ पे आके आप जो है वो अपना कैश जो है विड्रा करा सकते हैं। ये गाड़ियों, अगर आप गाड़ी पे आ रहे हैं तो ये गेट है, यहाँ से ऐसे आप आगे वहाँ पे पार्किंग है, वहाँ पे आप अपनी गाड़ी जो है वो पार्क कर सकते हैं। ये इस्लामाबाद से जो बस है वो अभी आई है, इसका अराइवल हुआ है और यहाँ पे ये रुकेगी आके, और ये स्पेशल 14 अगस्त वाली जो है वो बस बनी हुई है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि सारे अराइवल यहीं पे होते हैं और डिपार्चर जो है वो उस साइड पे होते हैं। अच्छा जी, इसकी बुकिंग के लिए आप डायवो एक्सप्रेस की जो ऐप है वहाँ पे विज़िट कर सकते हैं, वहाँ से आप ऑनलाइन बुकिंग हासिल कर सकते हैं और घर बैठे ही अपनी टिकट बुक करवा सकते हैं। आपको फेयर्स भी शो हो जाएंगे, आपने जिस भी रूट पर जाना है आप सेलेक्ट करके और वहाँ पर आप जा सकते हैं। अच्छा जी, हमारे साथ एक पैसेंजर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आयशा है। अच्छा, आप कब से ट्रैवल कर रही हैं डेवो एक्सप्रेस पर? इट्स बिन 4 to 5 years सिंस आई हैव बीन ट्रैवलिंग विद डेवो, और मुझे 4 से 5 साल हो गए हैं जब से मैं लाहौर आई हूँ। सो इट्स बिन अ वेरी सेफ ट्रैवलिंग विद डेवो, और कभी कोई इशू नहीं हुआ, कभी सामान का कोई इशू नहीं हुआ कि वो जो है वो किसी और जगह पे ट्रांसफ़र हो गया हो, तो ऐसा कोई इशू नहीं हुआ। and I'm very thankful to Daewoo as well for such a safe travels and prices भी अच्छे हैं। so booking के वाले से बता दें कि booking आपने online करवाई थी या कि आप यहाँ पे करवाती? मैं हमेशा online booking करवाती हूँ। for me it's very difficult कि मैं किसी और तरह करवाऊँ, तो online booking बहुत easy है, आप बुक में से भी करवा सकते हो और आप randomly call करवा के भी करवा सकते हो। it's very easy। अच्छा जी, एक और पैसेंजर मौजूद है हमारे साथ, उनसे जानते हैं सर्विसेज के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? नगीन जफर। अच्छा, आप डायवो एक्सप्रेस से कब से सफ़र कर रही हैं? तकरीबन 3-4 साल तो हो ही गए हैं। अच्छा, तो अभी आप कहाँ पे ट्रैवल कर रही हैं? अभी मैं लाहौर टू। तो आपको डायवो एक्सप्रेस की सर्विसेज के हवाले से कुछ रिव्यूज़ दे दें कि किस तरह की सर्विसेज हैं? मतलब सर्विसेज बहुत अच्छी हैं, मतलब इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, सेफ़ फील होता है, सेफ़ राइड है हमारे लिए। अच्छा, और बुकिंग के हवाले से बता दें कि बुकिंग आपने ऑनलाइन करवाई है या आप टर्मिनल पे आके करवाते हैं? ऑनलाइन करवाते हैं। ऑनलाइन जब इनका जो टिकट लेने का प्रोसेस है वो कैसा है? अच्छा है, और उसमें डिस्काउंट भी है। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? मेहरबानी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम नूर मोहम्मद है। अच्छा सर, कब से डेवो पे सफर कर रहे हैं आप? मैं तो कम से कम 10 साल से। तो कैसी सर्विसेज? जहाँ भी सर्विस जाती है ना, जी। मैं कोशिश करता हूँ कि ड्राइवर पर ही जाऊँ। ठीक है। और बहुत अच्छी सर्विस है। तो कैसी लगी सर्विस आपकी? आपको ये बहुत अच्छी सर्विस। अभी आप कहाँ जा रहे हैं? अब मैं जा रहा हूँ रावलपिंडी। रावलपिंडी जा रहा हूँ। थैंक यू सर, मेहरबानी, शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम डॉक्टर अली। डॉक्टर अली साहब, अभी आप कहाँ से ट्रेवल करके आ रहे हैं? मैं मुल्तान से आ रहा हूँ। 5:30 की मेरी मतलब सीट थी और मैं ऑन टाइम अराइवल किया है मेरा। अच्छा, तो डायवो की सर्विसेज कैसी लगी है आपको? डायवो की सर्विस बहुत अच्छी है और बड़ी कंफर्टेबल रही है मेरे लिए, और बड़ा ही स्मूथली मैं इधर अराइव किया। अच्छा, बुकिंग के वाले से बता दें कि बुकिंग का प्रोसेस कैसा है? मैंने बुकिंग book.com से बुकिंग करवाई थी और विद इन फ्यू सेकेंड्स मेरी सीट मुझे मिल चुकी थी। ठीक है, थैंक यू सर। अच्छा जी, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको इस टर्मिनल का, ठोकर पे जो डेवो का टर्मिनल है, इसका ओवरव्यू दिया। यहाँ से जो बसेस जा रही थी वो दिखाई आपको, और इनका लॉन्च दिखाया, बुकिंग के हवाले से बताया, और जो भी फैसिलिटीज़ इस टर्मिनल पर मिलती हैं वो सारी आपको बताई। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम आपको इनकी मुख्तलिफ रूट्स की मुख्तलिफ बसेस भी दिखाएंगे कि कौन कौन सी बसेस हैं, क्या फेयर्स हैं, डिपार्चर टाइम क्या है, ऑनलाइन बुकिंग कैसे की जाती है, वो भी आपको आने वाली वीडियोस में मिलता रहेगा। अच्छा, उसके अलावा ऑनलाइन बुकिंग कैसे की जाती है वो भी सारी डिटेल्स मैंने आपको बताई। तो मिलते हैं अगली वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।